सिस्पी कैंपस में जवान ने खुद को मारी गोली, मौत। घटना है भारत नेपाल सीमा पर तिकुनिया क्षेत्र में स्थित 3rd बटालियन SSP कैंपस डांगा में एक जवान ने खुद को सरकारी राइफल से गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना मंगलवार की देर शाम की बताई जा रही है। गोली उसके चेहरे के पास गर्दन में लगी। आनंद फानन उसे CHC निघासन लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। जनपद फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ अंतर्गत न्यू रामगढ़ निवासी 33 वर्षीय संजय कुमार यादव 3rd बटालियन SSP लखीमपुर में तैनात था। बताया जाता है कि उसने मंगलवार की शाम सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? सतीश चंद। क्या मामला हुआ, किस तरह की घटना हुई आपको? अब जी हमें नहीं पता है, हम पे तो फोन आया। कहाँ से फोन आया था आपके पास? नेपाल बॉर्डर। अच्छा, क्या मामला हुआ था, किस तरह की घटना? ये बताया था कि गोली लगी है। कौन थे आपके ये लड़का था? क्या नाम था इनका? संजय यादव। कितनी उम्र थी? 33 साल। सर्विस कर हुए कितना टाइम होगा इनको? सर्विस करे है ही नहीं थी। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन जी, क्या मामला हुआ है, किस तरह की घटना हुई है? जी मेरे परिवार की भतीजी है संजय यादव, ये भारत नेपाल सीमा पर उन्होंने सर टांगा शहर में SSP में तैनात थे। उन्होंने लगभग कितनी उम्र थी इनकी? 33 साल। सर्विस कर हुआ कितना टाइम हो गया इनको? 11 साल। 11 साल। कितने बच्चे हैं इनके? इनके एक बेटा एक बेटी है। ये सबको लेके यहाँ पे जैसे बटालियन कमांडो आए हुए हैं, क्या बता रहे हैं आपको, किस तरह की बता रहे हैं, बात हुई वहाँ पे, क्या बातचीत हुई है? घटना के बारे में कुछ पूरी जानकारी नहीं है, बता रहे हैं ड्यूटी के बाद में उन्होंने कोई फोन पे बात हुई थी घर के बाद, उसके बाद उन्होंने गोली मार दी खुद अपने आप। कोई गृह क्लेश से या कोई किसी के फोन से मतलब कोई बात हुई हो? कोई जानकारी नहीं, ना घर वालों को ना वहाँ बटालियन।